हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे नए ब्लॉग आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम शाम से कर रहे हैं, जो कि शाम के बज रहे हैं 5। अभी मैं आया हूं आवास विकास पनकी नहर में, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ का दृश्य दे सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ दृश्य यहाँ का। और कल है छठ पूजा, तो बाहर हो जाएगी आपको। इसलिए मैं अभी आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे ब्लॉग बनाते बनाते मुझे भैया दिखे लोग, अपना तैयारी जो मंदिर होता है उसकी तैयारी करने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें लिख पढ़ रहे हैं। चलिए मैं उनसे अभी कुछ बात करते हैं। और भैया कैसे हो? ठीक है भैया, बढ़िया। ये इसका मतलब हमें ये बता दीजिए, जैसे ये मतलब इसका जो बने है, ये इसका कोई मतलब होता है क्या इनका? जैसे मतलब 1 2 3 4 कोई मतलब होता है क्या? नहीं भैया, मतलब की बात नहीं, जैसे कि जिसको जितनी श्रद्धा होती है। अच्छा, जितना लोग बना लेते हैं, कुछ लोग बड़ा बनाते हैं, कुछ लोग जितना मतलब पूजा कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि कुछ लोग छोटा ईटा रख के अपना मिट्टी से बना सकते हैं, मतलब पूजा करने का मेन सिद्धांत होना चाहिए जितना पूजा आप करते हैं। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया था, मतलब कि जैसे 1 2 3 जो मतलब पर्थ बनती हैं, ये हमारे समझ में ये नहीं आया था, मतलब पर्थ मतलब बनाते हैं कि मतलब कि कोई नियम नहीं होता इसका पर्थ बनने का? नहीं, नियम नहीं होता, कोई नियम नहीं होता ना। ये अपने बनाने की श्रद्धा होती है, जैसा लोग चाहते हैं वैसा बनाते हैं। अच्छा। लोग मंदिर की तरह बनाते हैं, जैसे मंदिर घर में होते वैसे भैया पूजा करते, तो हमारा मंदिर मतलब जैसे जैसे छठ पूजा होती है, जो छठ मतलब कि मतलब सभी लोग मना सकते हैं या फिर मतलब कि कुछ मतलब कि? नहीं नहीं, छठ सब लोग मना सकते हैं, जैसा जैसा लोगों की श्रद्धा होती है। कुछ लोग लड़कों के लिए मनाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा कोई काम हो जाए तो हम छठ के व्रत उठाएंगे। जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बिहारी उठाए या कोई भी उठा, कोई भी उठा सकता है, कोई भी धर्म से इसका कोई नाता नहीं होता। आप जैसा चाहे वैसा उठा सकते वही मतलब। और भैया मतलब कि छठ के उसमें कितना उत्साह आप लोग आपको है छठ पूजा करने के? मैं तो बहुत ज़्यादा उत्साह रहता हूँ, क्योंकि मैं जितना दिवाली में कपड़े पे नहीं खरीदता, तैयारी नहीं करता, उतना मुझे छठ का करना पड़ता है। मेन इस टाइम मेरे घर में तैयारी चल रही, लेकिन मैं मंदिर सजाने आया। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, ये भी बहुत जरूरी। ये पूजा कब होती है? सुबह होगी ना पूजा? जी, ये कल शाम को भी होगी और फिर ये परसों सुबह होती है। जैसे कल शाम को जो व्रत होगा, अपना सूर्यास्त हुआ, उसके बाद सूर्य उदय होने से पहले परसों व्रत तोड़ दिया जाता है। नहाए खाए, आज छोटी व्रत है, जैसे कि छठ आज छोटा छठ है, तो आज नहाए खाए है, कल अपना शाम का होगा, फिर परसों सुबह का, परसों ही अपना पूरा प्रारंभ होगा। चलिए भैया, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। चलिए, ये कुछ था, मैंने कुछ जानकारी, मुझे जो स्तंभ बनते हैं, जो छठ मैया जो मतलब जो मंदिर तक बनता है, जो स्तंभ बनते हैं 1 2 3 4 स्टेप जो बनते हैं, वो हमारे समझ में नहीं थे, मतलब कि किस प्रकार बनते हैं, मतलब कोई नियम होता बनने का या फिर बनाते हैं अपने मन से, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। तो मैं अब चलते हैं आगे, कुछ और भी दृश्य दिखाते हैं यहाँ का।